Okay, so this is the turbid tree or the code tree. ऐसे ही हम लोगों ने अभी draw करके देखा था, तो मैंने एक tree यहाँ पर बनाया हुआ है. All right. So the next step is called your decoding using Viterbi algorithm. Right? So decoding का क्या मतलब है? अब ये जो हमारा output या जो हमारे state changes आते हैं, they actually are dependent on the message. कि हमारा मैसेज क्या था. एक एक बिट हमने मैसेज को कंसिडर किया एंड अकॉर्डिंगली हमें कुछ स्टेट चेंज मिला है एंड कुछ आउटपुट्स मिले, राइट. एंड उसी के बेसिस में हमारी स्टेट टेबल आई थी, हमारा स्टेट डायग्राम आया, हमारा कोड रैली आया, हमारा ये कोड ट्री आया. सो वी हैव मेड इट समथिंग लाइक दिस. ठीक है, अगर मेरे पास इस टाइप का ट्री है, सो यू कैन सी हियर चारों स्टेट्स हमारे पास है. यहां पर कलर कोडिंग की गई है, बट इफ ऑफकोर्स वेन यू आर डूइंग इट ऑन योर नोटबुक यू कैन नॉट डू कलर कोडिंग ऑलवेज. सो यू कैन ऑलवेज राइट योर इनपुट स्लैश आउटपुट, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में किया था. बट हियर यू कैन सी हियर द ग्रीन लाइन डिनोट्स योर जीरो इनपुट एंड ऑरेंज डिनोट्स योर वन इनपुट. ठीक है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज यू विल बी हैविंग सम इनपुट हियर लाइक दिस स्लैश जीरो. ठीक है, इट्स वन एंड द सेम थिंग. नाउ हाउ आर वी गोइंग टू यूज द विटर्बी एल्गोरिथम. अब सपोज आपके पास ये सिस्टम है एंड यू हैव बीन गिवन दीज आउटपुट्स. ये जो आपने आउटपुट्स स्टेट टेबल में, स्टेट डायग्राम में, कोड ट्री में बनाए हैं, ये आउटपुट्स दे दिए गए. सो यू वेंट फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट मेथड, राइट. कि आप हमारे, हमने ये देखा था कि हमारे पास कुछ इनपुट आ रहा है, तो हम वन बिट इनपुट ले रहे हैं शिफ्ट रजिस्टर में, एंड देन हाउ आर वी हैंडलिंग इट, कैसे शिफ्टिंग हो रहा है, कैसे स्टेट चेंज हो रहा है और कैसे आउटपुट हमारा आ रहा है. सो यहां पर क्या है, वी हैव बीन गिवन द आउटपुट एंड वी नीड टू डीकोड द इनपुट, राइट. सो प्रॉब्लम क्या होगी यहां पर, इफ यू हैव सीन द स्टेट टेबल, हम लोगों ने स्टेट टेबल बनाई थी. आउटपुट्स देखो आपके दो ही हैं यहाँ पर, x1 x2, ठीक है, दिस x1 x2, बट यहाँ पर जो आपका कॉन्वोल्यूशन कोडिंग स्कीम है, ऐसा नहीं है कि एवरी इनपुट के लिए आपका आउटपुट डिफरेंट है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस स्कीम्स में देखा था कि अगर मैं कोई भी बिट मैसेज लू, उसका जितने भी पैरिटी बिट्स होंगे, जैसा भी मेरा कोई जनरेशन मैट्रिक्स है, पैरिटी मैट्रिक्स है, जो भी मेथड में यूज कर रहा हूँ, उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग कोड होता था, वन टू वन मैपिंग होती थी. यहाँ पर ऐसा नहीं है. सो यू कैन सी हियर मेरे पास इसके लिए 00 है, इसके लिए 00 है, इसके लिए 11 है, 1001 है. सो दीज बिट्स कैन बी सेम ऑल्सो. ठीक है, सो हाउ डू वी कम टू नो दैट किस आउटपुट के लिए कौन सा इनपुट है, बिकॉज यहां पर सिर्फ आपका आउटपुट ही नहीं बता रहा है कोडिंग, योर स्टेट्स आर ऑल्सो टेलिंग. सो वी आर गोइंग टू यूज समथिंग दैट इज कॉल्ड अ विटर्बी एल्गोरिथम हियर. सो ये एल्गोरिथम बेसिकली है, इट्स अ सीएस कॉन्सेप्ट एंड वी विल बी यूजिंग दैट एल्गोरिथम. ऑफकोर्स हमें प्रोग्राम नहीं बनाना है, वी ओनली हैव टू इम्प्लीमेंट इट, राइट. सो यू विल बी गिवन दिस ट्री, या आप इसको कंस्ट्रक्ट करोगे, डोंट वरी अबाउट दीज रेड नंबर्स. अभी हम इसको देखेंगे कि कैसे आए. सो इफ यू सी हियर, ये आउटपुट है और ये हमारा ट्री है. नाउ सिंपली व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू टेक वन आउटपुट, जो भी हमें आउटपुट दिया है, एक उसमें से आप टू बिट्स लेंगे, बिकॉज आउटपुट इज ऑफ टू बिट्स. तो आपको जो आउटपुट दिया रहेगा, इट विल बी 2, 4, 6, 8, 10 बिट्स. सो यू हैव टू ग्रुप देम टुगेदर इन ग्रुप्स ऑफ टू बिट्स. यहां पर मैंने टू बिट्स यहां पर लिखे हुए हैं. ठीक है, आउटपुट आपको एक पूरी स्ट्रीम मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि एवरी इनपुट के लिए मेरे पास दो आउटपुट्स आ रहे हैं, x1 x2. तो यहाँ पर मेरे पास कितने आउटपुट्स आएंगे एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास कितने इनपुट होंगे. ठीक है, सो इफ यू सी एट दिस स्टेप, व्हाट यू सिंपली नीड टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द हैमिंग डिस्टेंस. वेरी सिंपल. सो इफ यू रिमेंबर व्हाट इज हैमिंग डिस्टेंस, अगर दो मेरे पास कोड्स हैं या दो मेरे पास बिट मैसेजेस हैं, अगर मुझे उनके बीच में हैमिंग डिस्टेंस निकालना है, दैट मींस हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है, जितने भी आपके
डिफरेंसेस है वन में, राइट right? जितना वन का डिफरेंस है आपके एवरी बिट में, अगर मैं 01 और 00 इन दोनों के बीच में हैमिंग डिस्टेंस निकालूं तो देखो पहले पोजीशन पे 00 कोई वन का डिफरेंस नहीं है, 01 यहां पर डिफरेंस है, बिट डिफरेंस, सो मेरे पास हैमिंग डिस्टेंस कितना आया 1, ठीक है, सो हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन 01 एंड 00 इज 1, जितने आपके बिट डिफरेंसेस रहेंगे तो बिट डिफरेंसेस आपका क्या होगा 0 और 1 का डिफरेंस ही होगा. अगेन आई विल चेक दिस आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू दिस, जितने भी आपके उस कॉलम में है आपको चेक करना है. सो 01 एक डिफरेंस हो गया, 11 नो डिफरेंस, तो अगेन मेरे पास हैमिंग डिस्टेंस क्या हो गया 1. उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप अपना हैमिंग डिस्टेंस राइट करते जाएंगे, ठीक है. ऑफ कोर्स मैं अब यहां नहीं लिखूंगा क्योंकि कोई लाइन ही नहीं है मेरे पास यहाँ पर, सो आई डोंट हैव टू चेक दिस ऑब्वियसली. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर मेरे पास क्या है बिट्स 10. अगेन आई एम गोइंग टू चेक द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन ऑल दीज आउटपुट्स, ये जो मेरा मेन आउटपुट है और यहाँ जो इस ट्री पे आउटपुट्स लिखे हैं. सो इफ यू सी हैमिंग डिस्टेंस हियर 1 एंड 0, 1 एक हुआ, 0 एंड 0 एक ही रहा. नाउ रिमेंबर जो मेरा प्रीवियस पॉइंट पे हैमिंग डिस्टेंस है, आई एम गोइंग टू एड माय हैमिंग डिस्टेंस जो मैंने इस स्टेप में कैलकुलेट किया, एंड देन आई एम गोइंग टू राइट इट ऑन दिस पॉइंट. तो प्रीवियस स्टेप पे मेरा हैमिंग डिस्टेंस कितना था 1, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, सो दैट इज व्हाई द हैमिंग डिस्टेंस यहां पर जो मैंने पॉइंट लिखा है यहां पर 2 लिखा है, ठीक है. एक्चुअली इसका 1 ही है लेकिन 1 प्लस 1 विल बिकम. ऑलराइट, सेम वे में अगर मैं इसको देखूं 0011, 0 और 1 हमारा हैमिंग डिस्टेंस क्या है 1, 0 और 1 हमारा हैमिंग डिस्टेंस क्या है, सॉरी दिस आउटपुट 1 एंड 1 हैमिंग डिस्टेंस इज नथिंग, 0 एंड 1 हैमिंग डिस्टेंस इज 1. सो प्रीवियस में हमारा 1 है, सो 1 प्लस 1 अगेन क्या हो जाएगा 2, सो आई हैव रिटन 2 हियर, ठीक है, ये यहां से ये आ रहा है. अगेन मैं इसकी बात करूं, इफ यू सी एट दिस पॉइंट ये मेरा आउटपुट 10 है, ये 10 है, सो 1 एंड 0 कोई डिफरेंस नहीं है, तो हैमिंग डिस्टेंस क्या हुआ यहां पर 0 हुआ, बट प्रीवियस पॉइंट पे यहां 1 था, सो यू हैव 0 प्लस 1 दैट इज 1. नाउ अगेन इफ यू चेक दिस एंड दिस 1 एंड 0, 0 एंड 1, यानी हैमिंग डिस्टेंस 2 हो गया, एंड प्रीवियस वाला पॉइंट पे हैमिंग डिस्टेंस क्या था 1, सो 2 प्लस 1, 3. सो इस तरह मेरे पास इन चार डॉट्स पे ये मेरे वेट्स आ गए, सो दीज आर एक्चुअली कॉल्ड योर वेट्स, ठीक है, क्यूमुलेटिव हैमिंग डिस्टेंस. अगेन इफ आई गो टू दिस कॉलम यू कैन डू द सेम, आप सारे हैमिंग डिस्टेंसेस चेक करेंगे एंड यू विल फाइंड ऑल दी हैमिंग डिस्टेंसेस, ठीक है, सो यू विल गेट समथिंग लाइक 1, 2, 3, 3, राइट, क्योंकि ये प्रीवियस हैमिंग डिस्टेंसेस से आ रहा है, सो मेक श्योर कि ये बड़ा ही होगा, इट विल नॉट बी स्मॉल. ऑलराइट, सो आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर टू यू. यहां पर आप चेक कर सकते हो कि ये जो 1-1 है ये इसके साथ 1-1 आ रहा है, राइट, सो 1 प्लस 0 देयर इज नो हैमिंग डिस्टेंस हियर, सो 1 प्लस 0 इज गोइंग टू बी 1. ओके, जहां पे आपको लग रहा है कि आपके हैमिंग डिस्टेंसेस 2 आएंगे, जैसे अगर मैं इस पॉइंट की वापस मैं फिर से बात करता हूं, सो यहां पर अगर मैं देखूं 1, 1 और 0, 0, तो यहां पर मेरा हैमिंग डिस्टेंस क्या आ सकता था 2 आ सकता था, एंड इस पॉइंट से अगर मैं कंसिडर करूं तो 2 प्लस 2 क्या होता 4, इजंट इट, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, और अगर मैं यहां से बात करूं तो 1, 1, 1, 1 मेरा हैमिंग डिस्टेंस क्या है 0, एंड 0 प्लस 1 मेरा हैमिंग डिस्टेंस 1 है, तो मेरे पास देखो 2 हैमिंग डिस्टेंसेस आ रहे थे 4 एंड 1. आई एम गोइंग टू ओनली कंसिडर द शॉर्टेस्ट हैमिंग डिस्टेंस फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो मैं 4 को डिस्कार्ड कर दूंगा, मैं सिर्फ 1 को कंसिडर करो. ओके, सो चेक ऑल द पॉइंट्स कहां से लाइन बन रही है, जैसे इस पॉइंट पे यहां से लाइन आ रही है और यहां से लाइन आ रही है,
तो आप दोनों पाथ्स के हैमिंग डिस्टेंस चेक करोगे, जो शॉर्टेस्ट होगा आप वो यहां पर लिखेंगे। सेम वे में अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये यहां पे पॉइंट आ रहा है, एक यहां पर पॉइंट आ रहा है। ऑलराइट, सो आई विल चेक द हैमिंग डिस्टेंसेस, क्यूमुलेटिव हैमिंग डिस्टेंसेस फॉर ऑल द पॉइंट्स। जैसे यहां पर 0 0 अगर मैं चेक करूं तो ये कोई हैमिंग डिस्टेंस नहीं है, तो 1 + 0 विल रिमेन 1। अगर मैं इस पे चेक करूं तो यहां पे आउटपुट 1 है, सो यहां पर मेरे पास 2 2 + 3 5, तो यहां पर 5 और 1 मेरे पास आएगा। सो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू कंसिडर माई लोएस्ट हैमिंग डिस्टेंस जो कि 1 रहेगा। सो डिस्कार्ड ऑल द हायर हैमिंग डिस्टेंसेस एंड सिंपली टेक द शॉर्टेस्ट। ठीक है, यहां पर भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, बट मैंने यहां पर कैलकुलेट इसलिए नहीं किया है बिकॉज ऑल दीज हैमिंग डिस्टेंसेस आर गोइंग टू बी मोर देन 1, क्योंकि देखो ये प्रीवियस से आ रहा है, क्यूमुलेटिव है, चाहे यहां पर 0 भी रहेगा तो यहां पर एटलीस्ट 1 आएगा। राइट, यू कैन सी हियर ये वाला भी पॉइंट यहां से आ रहा है, तो यहां पर भी क्या होगा, एटलीस्ट इट विल बी ग्रेटर देन 2, हियर ऑल्सो एटलीस्ट इट विल बी ग्रेटर देन 2। सो आई हैव नॉट कैलकुलेटेड द हैमिंग डिस्टेंसेस हियर बिकॉज मुझे एक्चुअली क्या चाहिए फाइनली, आई नीड द लोएस्ट पाथ। सो इफ यू सी हियर, इसमें मैंने 1 बना लिया, यहां पर भी मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगेन अगर मैं ये वाला पॉइंट देखता तो मेरे पास ये ज्यादा हैमिंग डिस्टेंस आता। सो जहां पर मेरा 1 आ गया आई एम सैटिस्फाइड, क्योंकि मुझे लोएस्ट वेट चाहिए होगा अकॉर्डिंग टू विटरबी एल्गोरिथम, हायर वेट से मुझे मतलब ही नहीं है। तो चाहे यहाँ पे 2 3 4 आ जाए, दे विल बी यूजलेस फॉर मी बिकॉज मुझे एक पाथ बनाना है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टिल द एंड पॉइंट विच हैज द लोएस्ट वेट। सो इफ यू सी हियर, मेरे पास यहां से अगर मैं एक पाथ बनाऊं लोएस्ट वेट का, वो मेरे पास क्या पाथ आएगा, यू कैन सी हियर, आई विल गो लाइक दिस, वन मिनट, ये 1 वाला पाथ हुआ, फिर ऑब्वियसली मेरे पास 2 2 1 3 है, तो मेरे पास लीस्ट पाथ क्या होगा, ये होगा। अगेन यहां पर मेरे पास 1 2 3 3 है, तो मेरे पास लीस्ट पाथ यहां आया। नाउ यू कैन सी हियर, मेरे पास एक ये वाला पाथ है 1, इसीलिए मैंने यहां पर ये वाले पॉइंट्स नहीं निकाले बिकॉज ये वाले एटलीस्ट ग्रेटर देन 1 होते ही होते, तो मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं रहता। सो नेक्स्ट पाथ इज दिस, एंड देन फाइनली अगेन इफ यू सी, नेक्स्ट पाथ विल बी दिस। तो मेरा लोएस्ट हैमिंग डिस्टेंस या लोएस्ट वेट का जो पाथ बना फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड इज दिस। ठीक है, अब जो जो इनपुट्स हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यू सिंपली हैव टू राइट देम, मीनिंग इस पाथ पे हमारा आउटपुट 1 1 है, इसके लिए हमारा इनपुट क्या था, 1, तो मैं यहां पर 1 लिख देता हूं। इस पाथ पे इनपुट क्या है हमारा, ग्रीन 0, यानी 0। इस पाथ पे हमारा इनपुट क्या है, यू कैन सी, ग्रीन, सो 0। इस पाथ पे इनपुट क्या है, ग्रीन 0। इस पाथ पे इनपुट क्या है, ग्रीन 0। राइट, अगर आपके पास कलर कोडिंग नहीं है देन यू विल बी गिवन द इनपुट लाइक 1/11 0/10, सो यू विल हैव टू टेक दिस स्लैश पाथ जो पहला वाला है लेफ्ट साइड में। राइट, सो इससे मुझे क्या पता चल गया कि ये मेरा इनपुट है 1 0 0 0 0, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये मेरे आउटपुट्स आएंगे। So this is how you apply Viterbi algorithm in order to decode your convolution code. Decoding का क्या मतलब है? जैसे encoding के क्या मतलब हुआ? जो भी हमारा input है उसके accordingly मेरे पास कुछ outputs आए। अब decoding का क्या मतलब हुआ? मेरे पास outputs हैं, I need to figure out the input according to that. तो ये हमने यहाँ पर figure करके लिख लिया। Alright? So this is the Viterbi algorithm that we apply in digital communication in convolution coding.